आज की इस वीडियो में ही हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिखाएंगे आधार कार्ड अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से किस तरह आसानी से एक छोटी सी प्रक्रिया से आप डाउनलोड कर पाएंगे आधार कार्ड। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो आधार नंबर पूरा नहीं आ पाता है, सिर्फ चार अक्षर ही आता है। तो किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे जिसमें आधार कार्ड का पूरा 12 अक्षर आए, आधार नंबर पूरा आए। अभी जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसमें चार ही अक्षर आ रहा है, तो किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे आधार कार्ड जिसमें 12 अक्षर सारा अक्षर आपको आ जाए, सारा आधार नंबर। इस तरह नहीं आएगा, जिस तरह देख पा रहे हैं सिर्फ चार अक्षर ही आधार कार्ड का नंबर आया है। तो कैसे आप पूरी नंबर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे आज किस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। तो चलिए आज किस वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आपको UIDAI का इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। eaadhar.uidai.gov.in इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे आधार डाउनलोड, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड तीन उस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। पहले जो आधार नंबर से आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद रिसिप्ट से इनरोलमेंट नंबर है, डेट है, तारीख है, तो डेट समय है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करते, नहीं तो यहाँ से वर्चुअल आईडी VID से आप डाउनलोड कर सकते हो। VID क्या होता है? VID जब आपका आधार कार्ड के आधार नंबर जो है आपका आधार कार्ड उसके नीचे की VID नंबर भी होगा। अगर नहीं है तो ये VID नंबर अपना ले लीजिए। आधार नंबर VID नंबर सेम काम करता है, ठीक है। तो चलिए आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे तो आधार पे क्लिक करेंगे। अगर इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करेंगे तो इनरोलमेंट जिससे करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आधार नंबर से सेलेक्ट कर, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना है। तो चलिए मैं आधार नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ। मैंने आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टिक मार्क का लगाने का, आई वांट ए मार्क्स आधार, ठीक है। इस अगर आप इसमें टिक लगा देंगे इस बॉक्स में, तो आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा वो सिर्फ चार ही अक्षर का होगा। अगर आप इसमें टिक लगा देंगे तो आपका आधार कार्ड जो डाउनलोड होगा वो सिर्फ चार अक्षर का होगा, ठीक है। तो हमको पूरा आधार कार्ड डाउनलोड करना है, इसलिए इसमें टिक नहीं लगाना है। और याद रखना, वही आधार कार्ड डाउनलोड होगा जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद ये कैप्चर, जो ये कैप्चर यहाँ पे इंटर कर दे। अगर फुल आधार नंबर के साथ डाउनलोड करना है तो टिक मार्क का नहीं लगाना है। अगर आपको चार ही अक्षर वाला आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो टिक मार्क का लगा देना है। उसके बाद कैप्चर इंटर करके यहाँ पे सेंड OTP कर दीजिए। सेंड OTP करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP गया है, वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो OTP आया वो OTP को आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। देखिए ये OTP मैंने इंटर कर चुका, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट फॉर आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट, ठीक है। ये अपने हिसाब सेलेक्ट कर लीजिए, मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आई डोंट रिसीव, ठीक है। ये ऑप्शन अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे मैंने वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दिया हूँ, और ये हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं डाउनलोड भी हो चुका है, डाउनलोड हो रहा है। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे अभी इस आधार कार्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड देना, आपका नाम का पहला, आपके नाम का फर्स्ट चार अक्षर जो कैपिटल में बड़ा अक्षर में देना होगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ किस साल की, वो साल आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये आपका PDF ओपन हो जाएगा।
तो आप देखिए ये जो डाउनलोड हुआ ये 12 अक्षर का आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे तो सभी अक्षर के साथ 12 अक्षर के साथ अपना आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि इस तरह आधार कार्ड 12 नंबर के साथ डाउनलोड करते हैं।